अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब हुआ है, जो कि आपको मेरी वॉइस से जो है पता चल रहा होगा। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है हेल्थी सैलेड। तो आज जो है मैं हेल्थी सैलेड बनाने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो चने लिए बॉईल किए हुए, एक बड़ा साइज़ का बाउल भर के। और इसके अलावा मैंने सैलेड का बाउल लिया है एक, जो कि धो के मैंने कट करके रखा हुआ था। इसके अलावा मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देखें तो इसको भी जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली ली है और इसको जो है मैंने दरमियाने साइज़ में कट कर लिया है। पीसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो मैंने जो है दरमियाने साइज़ के इसके पीसेस किए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसका जो है वो हाफ इस्तेमाल किया है। इसको भी जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देखिए प्याज हमारा कट हो चुका है छोटे छोटे पीसेस में। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और अब हम लेते हैं सैलेड, इसको भी जो है हम अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैलेड जो है वो देखिए चॉप हो गया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम लेते हैं एवोकाडो और ग्रीन आनियन। इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से छोटा छोटा कट कर लें। इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो अब बारी है एवोकाडो की। तो यहाँ पे एवोकाडो को जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से। और छोटे छोटे पीसेस में इसको भी कट कर लिया। ऐड करते हैं इसको भी। तो अब जो है पीछे बच गए हैं जी नमक पारे, इनको जो है हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने सारी चीज़ें सलाद की जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हैं अच्छे से। तो अब जो है हम इसकी ड्रेसिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले सॉल्ट लिया है टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी जो है वो मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला लिया है, इसको मज़ीद जो है वो अच्छा टेस्ट देने के लिए।
और यहाँ पे मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है, भर के जो है वो टीस्पून जो है आप डाल दें। अब बारी है लेमन की, तो लेमन भी जो है हमने थोड़ा सा इसमें निचोड़ दिया। तो अब जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखिए तो देखिए सलाद जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब जो है हम नमक पारे इसमें डाल देते हैं छोटे छोटे पीसेस करके, ताकि ये क्रंची रहे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से सारा सैलेड जो है वो आप मिक्स कर लें। देखिए इसकी लुक। तो यहाँ पे जो है मैंने लास्ट में इसमें इमली का पेस्ट ऐड किया है थोड़ा सा, हाफ टी स्पून के बराबर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सैलेड है डिलीशियस रेडी हो चुका है। तो अब जो है हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखिए हमारा सैलेड जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरा आज का सैलेड कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए इसी के साथ, अल्लाह हाफिज़।